कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंतर्गत सिविल जज ADPO के सॉल्ट पेपर्स, उनसे संबंधित फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जानकारी अपन देते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं अपने लेक्चर्स ऑन CRPC के सेशन पे और देखते हैं हम 174 देखते हैं आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। जब आत्महत्या कोई कर लेता है तो उसके बारे में रिपोर्ट देना और सरकार को उसके बारे में सूचित करना, पुलिस अधिकारी क्या प्रक्रिया अपनाते हैं वो हम देखते हैं। क्लॉज वन, जब पुलिस थाने के भाषा अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालन मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। और जब तक राज्य सरकार द्वारा वेद किसी नियम द्वारा या किसी या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, वह उस स्थान को जाएगा जहाँ ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहाँ पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाएं वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं। मतलब ये हो गया है कि कभी कोई दुर्घटना घटी है, कोई व्यक्ति मारा गया है या किसी यंत्र के द्वारा या शरीर या किसी जीव जंतु के द्वारा या उसकी ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है कि लगता है कि कोई उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है, तो जो पुलिस थाने का भाषा का अधिकारी है या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष सशक्त किया गया कोई पुलिस अधिकारी है तो वो उस हेतु अपनी इत्तला मिलती है उसको, तो वो काम कार्रवाई करता है। और उसको क्या इत्तला मिली है कि उसने आत्महत्या कर ली है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जीव जंतु या द्वारा यंत्र द्वारा दुर्घटना द्वारा मारा गया है, तो वो क्या करेगा ऐसी परिस्थितियों में, उचित संदेह है उसको तो अन्य व्यक्तियों ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। और जब राज्य सरकार द्वारा वेद किसी नियम द्वारा या जिला उपखंड मजिस्ट्रेट किसी साधारण विशेष आदेश द्वारा अन्य निर्दिष्ट ना हो, अन्य कोई चीज़ बात निर्दिष्ट नहीं है, कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए आदेशित नहीं है, तो वह उस स्थान पर अपने आप जाएगा और ऐसे मृत शरीर के बारे में जहाँ पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों से वार्तालाप करेगा, उनके समक्ष अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा कि मृत्यु का कारण क्या है, क्या हो सकता है या क्या उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, उस पर उस शरीर पर पाया घाव, कोई अस्थिभंग है, कोई नील है, कोई क्षति के अन्य चिन्ह हैं, तो उसको शरीर पर जो पाए गए हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और ये चिन्ह भी हो, उन चिन्हों को देख कैसे लगेगा कि किस प्रकार से पाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी वो अपने लिखेगा। आयुर्वेदिक उपकरण द्वारा यदि कोई है तो प्रतीत होते हैं तो उनके बारे में वो सब एक रिपोर्ट तैयार कर लेगा। तो ये था क्लॉज 174 का। वहीं हैं आगे क्लॉज 2, उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी जो उसने रिपोर्ट तैयार की है, और वहाँ पर जो व्यक्ति हैं जो उस बात से सहमत हैं वो भी साइन करेंगे, वो पुलिस अधिकारी भी साइन करेगा और ऐसी रिपोर्ट बना के जिला मजिस्ट्रेट, DM या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी। वहीं क्लॉज 3 है, जब नंबर 1 मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वृत्त है। अब वहीं वो और बता रहे हैं क्लॉज 3 में कि मान लो कोई महिला है जिसकी आत्महत्या जो कि 7 वर्ष के भीतर हुई उसके विवाह की तारीख से, या मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है, ठीक है। अगला है, मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु संबंधित है और स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है, मतलब उस महिला के नातेदार ने कि भाई उसकी जो महिला मरी है जिसकी मृत्यु हुई है और उसके बारे में नातेदार ने किसी ने निवेदन भी कर रखा है, मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है, यदि मृत्यु हुई है तो उसको कोई संदेह है, किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है,
पुलिस अधिकारी द्वारा से लगता है कि उसको इस मामले में उसको खोजपरख करना चाहिए। अब तो तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त भेद किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा। मतलब क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा लगता है कोई महिला है जो 7 वर्ष के भीतर विवाह के तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेती है, ऐसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, कोई संदेह उत्पन्न होता है, उसके किसी नातेदार ने उस हेतु निवेदन किया है या पुलिस अधिकारी को खुद लगता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे नियमों के रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त भेद किए गए हैं राज्य सरकार ने, वह अधिकारी मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के सड़ने की जोखिम के बिना, मतलब मौसम अच्छा है और उसका शरीर सड़ नहीं जाएगा और उसको चिकित्सा मतलब चिकित्सक के पास भेजेगा ताकि वो उसकी जांच परख कर ले और शरीर सड़ने वाला नहीं है भिजवा सकता है और निकटतम सिविल सर्जन के पास भेजेगा। राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य कोई अहित चिकित्सक भी हो सकता है, मान लो सिविल सर्जन नहीं है तो कोई अन्य अहित जो उसको इस हेतु योग्य माना गया है चिकित्सक के पास भेज देगा ताकि वो उस पर संबंधित उसके शरीर की परीक्षा कर सके और ये जान सके कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है। उसी में आगे लिखा है उन्होंने, फोर्थ क्लॉज है, निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेष सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा के हेतु सशक्त हैं, पहले तो है DM है आपका, आपका उपखंड मजिस्ट्रेट है या इनके द्वारा कोई इस हेतु सशक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है जो मृत्यु समीक्षा कर सकता है कि मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु क्यों हुई, मृत्यु के कारण क्या हो सकते हैं, वो सब आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का उस पर कार्रवाई करना। अब आता है सेक्शन 175, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। नंबर 1, धारा 174 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त 2 या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन के से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है लिखित आवेदन द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समापहरण की आशंका में डालने की है सब प्रश्नों का सही से उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। मेन क्लॉज 2 है, ये तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध जिसे धारा 170 लागू है प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा ना करेगा। वहीं व्यक्तियों को समन किया जाएगा, उन व्यक्तियों को समन किया जाएगा जो मामले संबंधित हैं या जिन्हें मामले में के बारे में तथ्यों के बारे में डिटेल तथ्यों के बारे में परिस्थितियों के बारे में वो जानते हैं प्रतीत होता है कि उनको जानकारी है तो लिखित आदेश के द्वारा उनको समन किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों को हाजिर होने के लिए और उनसे प्रश्न किए जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों के सिवाय जो उनको किसी आरोप शास्ति या संभरण में फंसाने वाले हैं उन प्रश्नों के को छोड़ के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आबद्ध हैं। वहीं क्लॉज 2 भी कह रहा है तथ्यों को ऐसा कोई संज्ञेय अपराध हम जानते हैं जो जिसमें 2 वर्ष से ऊपर के अपराध से दंडित करने की क्षमता होती है, ऐसे अपराध संज्ञेय मामलों में आते हैं जो गंभीर किस्म के हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, धारा 177 लागू होती है प्रकट नहीं होता है, ऐसा कोई मामला प्रकट नहीं हो रहा है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा। मतलब संज्ञेय मामला नहीं है जैसे धारा 170 के अंतर्गत कोई मामला प्रकट नहीं होता ऐसा तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करेगा कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो।